हेलो फोक्स, यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज के। भारत का श्रीलंका दौरा 13 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले सीरीज को लेके थोड़े बहुत चिंता की खबर आई है। जी हां, खतरे के बादल जो हैं वो इस वक्त सीरीज पे मंडरा रहे हैं। क्या है वजह, बताते हैं आपको इस पूरे वीडियो में। श्रीलंकन क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो लिस्ट है वो आ चुकी है, और उस लिस्ट में जो भी नाम आए हैं, साथ ही साथ जो सैलरीज डिवाइड हुई हैं उसको लेके श्रीलंकन क्रिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और उन्होंने उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी नहीं किया है। जी हाँ, ये एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता की बात है उस सीरीज़ के लिए भी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की और श्रीलंकन प्लेयर्स की, तो कुछ इस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है कि जो सैलरी है उसको लेके जो है सबसे बड़ा इस वक्त मैटर ऑफ डिबेट जो है, चर्चा का विषय फिलहाल जो है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बना हुआ है श्रीलंका क्रिकेट के लिए। जितने भी बड़े प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, उसमें दिनेश चंडीमल होते हैं, एंजल मैथ्यूज हैं, दिमुथ करुणा रत्न हैं जो कि टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं, तो ऐसे में इन सभी खिलाड़ियों का जो पे स्केल है वो ग्रेड ए के भी नीचे आते हैं, तो इसको लेके बड़ा सवाल जो है इस वक्त इस जो है पूरी श्रीलंकन टीम में है कि पे स्ट्रक्चर को थोड़ा उसमें इजाफा किया जाए। साथ ही साथ अगर मैं आपको साधारण लफ्ज़ों में बताऊं तो भारतीय टीम के जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, यानी कि ग्रेड सी की अगर उस कैटेगरी की मैं बात करता हूं और वहीं मैं श्रीलंका की बात करता हूं, तो श्रीलंका की एक कैटेगरी भी ग्रेड सी जो भारतीय टीम का पे स्केल है उससे भी नीचे है। तो ऐसे में इसको लेके एक बहुत बड़ा इस वक्त डिबेट बना हुआ है कि क्या श्रीलंकन प्लेयर्स को जो उनका पे स्केल है उसमें बढ़ोतरी की पूरी उनको पूरी उनकी गुजारिश है कि इसमें जो है राइज किया जाए पूरा का पूरा जो पे स्ट्रक्चर है। फिलहाल जो सबसे ग्रेड ए का जो प्लेयर है, यानी कि अगर मैं बात करूं धनंजय डिसिल्वा और निरोशन डिकवेला की, ये दोनों खिलाड़ी जो है ग्रेड जो सबसे ऊपर की ग्रेड है उसका ये पार्ट है, और $1,00,000 जो है इनका पूरा का पूरा सालाना पे स्केल है। इसके अलावा जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो 70,000 से 80,000 के दरमियान करुणा रत्ने भी हैं, एंजेलो मैथ्यूज भी हैं और चांडीमल भी हैं। ये सभी खिलाड़ी जो हैं उस पर्टिकुलर पे स्ट्रक्चर पे भी नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चिंता का विषय है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस सीरीज़ की, तो अगर ये प्लेयर्स साइन नहीं करते हैं जो भारत के खिलाफ सीरीज़ होनी है, तो शायद थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर फ्लॉज नज़र आ सकते हैं अगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है पैसे में इजाफा नहीं करता है। साथ ही साथ अगर बात करें श्रीलंकन प्लेयर्स की, तो श्रीलंकन प्लेयर्स ने भी ये चीज़ जाहिर करी, एक स्टेटमेंट जाहिर किया है कि जिस तरीके से जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट था वो डिस्क्लोज करना खिलाड़ियों का वो सही नहीं था। क्रिकेट बोर्ड ने सीधा सीधा सारे जो बेसिकली पूरा का पूरा पे स्केल स्ट्रक्चर था वो जो है रिवील कर दिया, जिसको लेके भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हंगामा बना हुआ है श्रीलंकन क्रिकेट में। बड़ा डेवलपमेंट है वर्ल्ड क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक तरफ इंडियन क्रिकेट है और दूसरी तरफ श्रीलंकन क्रिकेट में बात करूं तो ज़मीन आसमान का अंतर हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द जो है ये पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी को एक पॉजिटिव राह मिले, जो श्रीलंकन प्लेयर्स चाह रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड है उनके बीच में आपस में एक अच्छा तालमेल नज़र आए, और जो सीरीज़ है 13 जुलाई से वो ज़रूर हमको देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।